आई थिंक आप सब बढ़िया होगे। तो आर्मी, हमने माय डेविल गर्ल पार्ट 4 में देखा था कि जंगकुक और सुगा बात कर रहे होते हैं। अब आगे भाई तो जैसे सोच रहा है वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अब चल नीचे ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तू जा। सच में बेटा, ये तुम कंपनी को संभाल लोगी ना? क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, कोई लॉस भी हो सकता है, कोई प्रॉफिट भी हो सकता है। अरे डैड, मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता ऑफिस में। ओके, मैं संभाल लूंगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेटा मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी ये बात सुनके कि तुम मेरी कंपनी हैंडल कर लोगी। हाँ डैड, मैं बहुत अच्छे से हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। बस आपको बस देखना होगा कि मैं कैसे करती हूँ। हाँ बेटा, आप चलते हैं, चलो ऑफिस। हाँ चलो डैड, चलते हैं ऑफिस। फिर ताए और जेहोप ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ओके मॉम, हम चलते हैं वरना हम लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए, फिर बॉस डांटेंगे। हाँ चल सुगा, जल्दी चलते हैं। ओके मॉम, बाय। बाय मॉम, बाय जेनी, बाय बेटा, बाय सुगा, बाय जंगकुक। फिर सुगा और जंगकुक ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अरे वो लड़का तो दिख ही नहीं रहा, ताए तो कह रही थी वो इसी ऑफिस का है। अरे जिमिन, तुम किसको ढूंढ रही हो, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं, वो जंगकुक, मैं कहने आई थी ना कि तुम्हें ताए बुला रही है केबिन में, कोई काम है उसको, जल्दी चलो मेरे साथ। पर ऐसा कौन सा काम है जो मुझे केबिन में बुला रही है? अभी तक मेरा भाई भी नहीं आया है। अभी रुको, मैं चलता हूँ, मेरा भाई आ जाए फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे तुम्हारा भाई भागा नहीं जा रहा, आ जाएगा, चलो मेरे साथ। फिर जिमिन जंगकुक को ताए के केबिन में ले जाती है। ये ले ताए, जंगकुक आ गया, इसे बता दे कौन सा काम करना है, बोल दे। हाँ वो जंगकुक, जो मैंने तुम्हें फाइल दी है ना, उसके बारे में मुझे एक बार समझा दो। ताए वो मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही है? अरे अभी आती हूँ ना। फिर जिमिन केबिन से बाहर चली जाती है। अरे मैं दोबारा क्यों समझाऊँ, ऑलरेडी मैंने बॉस को समझा दी है फाइल। फिर अरे अरे शांत हो जाओ, वैसे भी अब मैं ही लीड करूंगी, अब बॉस थोड़ी ना आएंगे, अब मैं ही ये कंपनी को चलाऊंगी। सच में? हाँ जंगकुक, अब फाइल समझा दो मुझे जल्दी से। फिर जंगकुक ताए को फाइल समझाता है। अरे ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, हो क्या गया है इसे आज? अरे ये भाई कहाँ चला जाता है, पता नहीं बाबा कहाँ उठ के चला जाता है, लगता है बॉस ने बुलाया होगा, काम होगा, कोई नहीं जाने दो। हाय, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी, तुम मिले ही नहीं, मैंने तुम्हें सुबह से ढूंढ रही थी इधर उधर, मुझे लगा तुम आओगे नहीं आज। अरे मुझे क्यों ढूंढा तुमने, मुझसे क्या काम है? नहीं बस ऐसे ही मैं ढूंढ रही थी। और वैसे मेरा नाम जिमिन है, आप मुझे जिमिना भी बुला सकते हो अगर आपका मन हो तो। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? अरे ये तो और क्लोज आ रही है, मना करूँगा तो बुरा मान जाएगी। हाँ ठीक है, आप बैठ जाओ। एक बात पूछूं, क्या आप मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? प्लीज मना मत करना, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, प्लीज बन जाओ ना मेरे फ्रेंड्स। ओह थैंक यू जंगकुक, तुमने मुझे फाइल समझा दी, वरना तो मेरे तो दिमाग में पड़ ही नहीं रहा था कैसी है ये फाइल। वेलकम वेलकम। अरे इसे हो क्या गया, ये अजीब तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है? अब ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके? अब तो कोई काम नहीं है ना, फाइल तो मैंने समझा दी। अरे रुको जंगकुक, मुझे एक फाइल दिखानी है तुम्हें। जैसे ही ताए जंगकुक को फाइल दिखाने जा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और जंगकुक के ऊपर गिर जाती है। फिर से जिमिन तुम्हारी दोस्त, वरना फिर रहो हंगामा हो जाएगा बहुत बड़ा।
अरे नहीं समझेगी, उसे मैं समझा दूंगी। ओके तुम टेंशन मत लो। वैसे तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है। थैंक यू जंगकुक मेरी तारीफ करने के लिए। अरे मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ जंगकुक, तू फिसल रहा है, यहाँ से जाना पड़ेगा वरना यहाँ रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मुझे जाना होगा। ओके बाय, दे मैं जा रहा हूँ। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। अरे वैसे मैं गिरी कैसे, मेरे को खुद नहीं पता ये पैर कहाँ से फंसा होगा मेरा, यहीं से फंस गया होगा, ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं शामिल। वैसे ये सब करके मुझे प्यार तो नहीं हो जाएगा जंगकुक से? नहीं नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, अब मुझे उससे बदला तो लेना पड़ेगा, उसने मेरी दोस्ती तोड़वाई थी ना। अब देखो जंगकुक तुम मेरी चाल देखो आगे आगे होता क्या है, अब आएगा मजा। भाई मैं इतनी देर से अकेला बैठा हूँ तो कहाँ चला गया था बताएगा मुझे, तो तू बता के नहीं जाता, कहीं भी चले जाता है, बता रहा कहाँ गया था जल्दी बता मुझे। अरे बता तो मैं बॉस के केबिन में गया था। ओके भाई बता के भी तो जा सकता था कि मैं केबिन में जा रहा हूँ बॉस के। अरे शुगा वो अर्जेंट काम था इसलिए मैं गया था, थोड़ी फाइल वाइल के बारे में समझा रहा था बॉस को बस। अच्छा ठीक है चल अब घर, घर नहीं जाना क्या? अरे इतनी जल्दी कहाँ घर जा रहे तो इतनी जल्दी? अरे भाई शाम हो रही है, हम घर नहीं जाएंगे क्या? अब यही थोड़ी ना रहेंगे ऑफिस में, और तेरे को हो क्या गया है, अजीब से रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये सप्ताह की वजह से हो रहा है, उसने मुझे बैठा रखा था केबिन में और पता ही नहीं चला मुझे शाम कब हो गई। भाई तूने कुछ बोला क्या? नहीं कुछ नहीं बोला मैंने, तो फिर चल ना। हाँ हाँ चल। फिर सुबह और जंगू घर के लिए चले जाते हैं। वैसे ताय तूने ये नहीं बताया कि तू जानबूझकर गिरी थी जंगकुक पे या खुद गिर गई थी ऐसी? अरे नहीं मैं जानबूझ के नहीं गिरी थी। फिर कैसे गिरी थी ये तो बता, मतलब पैर फंस गया था क्या तेरा किसी चीज में, वैसे गिर गई थी? नहीं नहीं मेरा पैर मुड़ गया था तब मैं गिरी थी। वैसे गिरने विरने की बात हटा, वैसे तेरा क्या हुआ, वो लड़का मिला तेरे को, तूने उससे बात करी? हाँ यही ऑफिस में काम करता है, नाम है शुगा। वैसे हाय हेलो ही थी बस और कुछ नहीं, मैंने पूछा फ्रेंड बनोगे तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। चल सही है बात तो करी कम से कम, वरना आजकल के लड़के तो बात भी नहीं करते और चले और जाते मुंह उठा के। वैसे मेरे डैड आए तूने देखा? अंकल तो चले गए। वैसे ताई तू ये सब मत कर जंगकुक के साथ, जंगकुक बहुत अच्छा लड़का है पता है। वैसे भी अब हम दोस्त बन चुके हैं तो जंगकुक को तू क्यों हर्ट कर रही है, वो सच में तेरे से प्यार करने लगा तो फिर क्या करेगी? पता है जिमिन जिस दिन तूने दोस्ती तोड़ने की बात करी थी ना, मैं इतना रोई थी तो सोच भी नहीं सकती। पता है ऐसे ही दुख दर्द मैं जंगकुक को भी देना चाहती हूँ, वो भी प्यार में, अब तो नहीं बोलेगी। ठीक है तेरी मर्जी, अब चले घर लेट हो गए बस। हाँ हाँ ठीक है चल घर। फिर ताय और जिमिन घर के लिए चले जाते हैं। हेलो शुगा, हेलो जंगकुक, हेलो जैनी, अब मुझे अंदर जान दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर शुगा जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। अरे जंगकुक कैसे कहाँ जा रहे हो, हाय तो बोल के जाओ कम से कम। हाय और तुम्हें कहूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें हाय करने का। ओ रियली, अपनी वाइफ को ऐसे बोलोगी क्या? हाँ ऐसे ही बोलूँगा, और पहली बात तुम मेरी वाइफ कभी नहीं बन सकती। अगर मान लो जंगकुक अंकल आंटी ने मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी तो क्या करोगी, तो भाग जाओगी क्या? हाँ भाग भी जाऊंगा, और हाँ दुनिया में शादी करने के लिए मेरे लिए लड़की खत्म क्यों ना हो जाए तब भी मैं तुमसे शादी तो करूंगा ही नहीं। और हटो मुझे जाने दो, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ। फिर जंगकुक घर के अंदर चला जाता है। जंगकुक जितना उड़ना है ना उड़ लो, शादी तो तुमसे ही करके रहूंगी, और अंकल आंटी के पास रही उनको तो मैं यूँ फंसा लूंगी, और रही बात तुम्हारी तुम्हें तो कभी ना कभी तो हाई करना पड़ेगा शादी के लिए, देख लेना। जैनी भी बोलते बोलते घर के अंदर चली जाती है। तो आर्मी आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आर्मी ये था माय डायरी गर्ल का पार्ट 5, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आर्मी ज़्यादा कमेंट करा करो। ओके लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। ओके बाय।